तो हाय गाइस, दिस इज अमित वाधवानी फ्रॉम डिजिटल बाबा। फिर से मैं आपको एक नए धमाकेदार वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज में हम ये सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके, बाय द यूज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हाउ वी कैन गेन अ कस्टमर्स क्लाइंट्स इन द फील्ड ऑफ रियल इस्टेट। रियल इस्टेट आज की डेट में बहुत अच्छी फील्ड है कम समय में अच्छा गेन करने की। ये एक ऐसी फील्ड है जो एक एवरग्रीन फील्ड है आपकी, और इसमें जो गेनिंग होती है वो अच्छे अमाउंट में होती है एक साथ, क्योंकि रियल इस्टेट में जो प्रॉपर्टी सेलिंग होती है वो कोई 1,000, 2,000, 5,000 की नहीं होती, लाखों की होती हैं। तो उसमें जो कमीशंस बनती हैं वो भी अच्छी खासी बनती हैं। तो अगर आप रियल इस्टेट की फील्ड में हैं या रियल इस्टेट की फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। बहुत ही अच्छे से आप इस फील्ड में बिजनेस कर सकते हैं। तो किस तरीके से, आज हम ये समझेंगे कि किस तरीके से हम रियल इस्टेट का यूज़ करके डिजिटल मार्केटिंग की यूज़ करके हम यहाँ पे रियल इस्टेट का बिजनेस कर सकते हैं। मैं किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग, बाय द यूज़ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हाउ वी कैन गेन अ कस्टमर्स। ओके, तो अब हम ये समझते हैं कि रियल इस्टेट है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ रियल इस्टेट। रियल इस्टेट क्या है, अगर ये आपको पता है तो ये एक जो है एक बिजनेस है, एक प्रॉपर्टी सेलिंग। अगर आप प्रॉपर्टीज की फील्ड में हैं तो उसे प्रॉपर्टी सेलिंग, प्रॉपर्टी बाइंग और ये सब चीज़ें जो आती हैं वो इसके अंदर आती हैं। चाहे कोई आपका घर हो, चाहे कोई फर्म हो, प्रॉपर्टीज हो, वो रियल इस्टेट कहलाती है उसकी बिजनेस को। ठीक, अब अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज करें तो हम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। वी कैन डू अ बिजनेस। ओके, तो किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके हम रियल एस्टेट का बिजनेस कर सकते हैं, आइए हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आगे बढ़ें तो दिस इज मी एंड लेट आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। I am Amit Vadhwani, founder of Digital Baba Marketing Solution. I am a business consultant, digital marketing trainer, website and app developer, YouTuber and CEO of Digital Baba and Marketing Agency. तो आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं अबाउट मार्केटिंग। देखिए, रियल इस्टेट में दो चीज़ें होती हैं, दो तरह के लोग होते हैं यहाँ पे। आप उसमें से कौन हैं ये आप डिसाइड करिए, राइट? या तो आप ब्रोकर फर्म चलाते हैं, या तो आपकी ब्रोकर फर्म है, या तो आप बिल्डर्स हैं। ठीक, तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली बिल्डर्स भी कर सकते हैं, बिल्डर्स भी डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन ये करते नहीं है, ये बहुत ही कम लेवल पे करते हैं। तो अभी हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे, हम ये मानेंगे कि आप बिल्डर नहीं हैं, आपका जो है वो ब्रोकर फर्म है, या तो आप एजेंट हैं। ठीक है, हम ये मान के चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ट्रेनिंग आपको देंगे। अब यहाँ पे की पॉइंट ये होती है कि अगर मुझे प्रॉपर्टी सेल करनी है, मेरे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, या तो दो चीज़ें होती हैं, आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए रियल इस्टेट का बिजनेस करने के लिए, एक प्रॉपर्टी बेचने वाला, एक प्रॉपर्टी लेने वाला। बिजनेस तो ऐसे ही होता है, ठीक है, एक तो सेलर जो बेचना चाहता है, एक तो होता है बायर, राइट? ये तो आपको पता है, एक सेलर होता है, एक बायर होता है, बीच में होते हैं आप या तो आपका फर्म। भाई सेलर आपके पास आता है कि मुझे प्रॉपर्टी सेल करनी है, सेल करवा के दो, बायर आता है कि मुझे कोई अच्छी प्रॉपर्टी दिखाओ। तो आपकी कमीशन जो है वो सेलर से भी डिसाइड होती है, बायर से भी डिसाइड होती है। आप इसकी प्रॉपर्टी उठा के इसको दिखाते हो, सेल करवाते हो, इसके बाद इसके थ्रू भी आपको कमीशन मिलती है, इसके थ्रू भी कमीशन मिलती है, तो यही आपका बिजनेस है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रोल प्ले करती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रोल प्ले करती है कि आपके पास अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए लोगों को दिखाने के लिए, सेल करने के लिए, और दूसरे बात आपको पास बायर्स भी होने चाहिए जो उसको बाय कर पाए। तो ये दोनों चीज़ें किस तरीके से आप गेन कर सकते हो, इस चीज़ को हम आज समझते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले की पॉइंट्स क्या होते हैं इस फील्ड में, व्हाट इज़ अ की पॉइंट्स इन अ फील्ड ऑफ रियल इस्टेट। फर्स्ट इज अ नीड। अब ऐसा तो नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप गए मार्केट में, आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, आपको पसंद आई, नीड नहीं है,
लेकिन आपको वो चीज़ अच्छी लगी, हो सकता है कि आप तुरंत परचेस कर लें, हो सकता है कि 5,000 की हो, 10,000 की, 20,000 की हो, आपको पसंद आई, नीड नहीं है तो भी आप लगेगा कि चलो मैं अच्छी लग रही है, मुझे परचेस कर लूँ। लेकिन रियल इस्टेट की फील्ड में चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं कि आप किसी ने कोई प्रॉपर्टी देखी, पसंद आई, उसने ले लिया, ऐसा नहीं होता। उसकी नीड होनी चाहिए, सामने वाले की नीड होनी चाहिए, तभी वो आपसे प्रॉपर्टी परचेस करेगा। उसकी नीड होनी चाहिए, पहली पॉइंट। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, अगर आपको बायर्स चाहिए, लीड चाहिए, तो ऐसी लीड होनी चाहिए जिसे प्रॉपर्टी की नीड है। अभी मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा कि आपको बायर्स चाहिए जो आपसे प्रॉपर्टी परचेस कर पाएं, सेलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सेलर्स के बारे में आपको पता है। हम सिर्फ यहाँ पे लीड्स की बात करेंगे जो आपसे प्रॉपर्टीज परचेस करें, ऐसे लीड्स जो आपसे प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट होता है यहाँ पे उसकी नीड होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात। अगर कस्टमर की नीड ही नहीं है तो वो आपसे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख की प्रॉपर्टी क्यों खरीदेगा जब नीड ही नहीं है, ठीक। सेकेंड पॉइंट ये होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है, वो प्रॉपर्टी सर्च करने के फॉर्म में है, वो प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है या तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए या तो अपनी अपनी नीड की पर्पज़ के लिए। सेकेंड पॉइंट ये है। और थर्ड पॉइंट ये है कि उसकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी होनी चाहिए। ऑब्वियसली जो आप कस्टमर्स ढूंढते हैं, जो आपकी लीड्स होती है, बायर्स होते हैं, वो ये तीन पॉइंट्स पे ही फोकस किया जाता है कि भाई उसके नीड है या वो प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है और उसकी इनकम जो है हाई है। अब मान लेते हैं कि कोई बंदा है जिसकी इनकम जो है 20,000-30,000 रुपये है, ऐसे लोग तो आपके, मेरे ख्याल से आपके लीड्स या आपके बायर्स तो नहीं हो सकते, उनकी हाई सोर्स ऑफ इनकम्स भी होनी चाहिए। ऐसे ही लोग जो है बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज परचेज कर सकते हैं, ऑब्वियसली ये सीधी सी बात है, ठीक। तो हम इसी पॉइंट पे फोकस करके अपनी डिजिटल मार्केटिंग को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारा फोकस जिस चीज़ पे होगा वो ये होगा कि ऐसे लोगों को ढूंढना जिसको नीड हो, सर्चिंग द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी सर्च कर रहा हो, और तीसरी जिसकी जिसकी सोर्स ऑफ इनकम हाई हो। आपको अगर रियल एस्टेट के फील्ड में है तो आपको ये तीन पॉइंट पे ही ध्यान देना चाहिए। यू हैव टू फोकस इन दिस थ्री पॉइंट। लेकिन ये तो हुआ की पॉइंट्स, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं इस फील्ड में कि फेक लीड्स बहुत मिलती है। ये दो प्रॉब्लम बहुत आती है कि जब हम मार्केटिंग करने बैठते हैं तो फेक लीड्स बहुत आती हैं जो सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाती। और सेकेंड है आपका यहाँ पे हाई कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन्स बहुत हैं इस फील्ड में। अगर आपको उस लेवल पर पहुँचना है कि जहाँ पे लोग आपसे ट्रस्ट करें और कॉम्पिटिशन के बावजूद आपका फर्म बहुत अच्छे से चल पाए, तो उस केस में आपको कॉम्पिटिशन्स को आगे फेस करने के लिए आपकी डिजिटल मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे स्टडी की कि क्या क्या पॉइंट्स हमें देखना चाहिए कि बायर्स की व्यू पॉइंट के हिसाब से, और क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो फेक लीड्स की आती हैं और हाई सोर्स ऑफ इनकम की, हाई कॉम्पिटिशन का एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने समझ लिया यहाँ पे कि बेसिकली नीड है, सर्च ऑफ प्रॉपर्टीज की है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब आप बोलोगे सर कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है, किसी को नीड है, मैं प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत से प्रॉपर्टीज हैं, मुझे पता कैसे चले कि मार्केट में किसे नीड है किसे नीड नहीं है, कौन मुझसे प्रॉपर्टी ले सकता है कोई नहीं ले सकता। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, किसे नीड है किसे नीड नहीं है, कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता, मुझे ये कैसे पता चले, इसी को कहते हैं हम यहाँ पे लीड, जो सेल्स में कन्वर्ट हो पाए। तो उन तक कैसे पहुँच सकते हो आप डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ों को यूज़ करके, अब इसी पॉइंट पे हम बात करेंगे। और फोकस पूरा रहेगा आपका इस तीन चीज़ों के ऊपर, एक तो पॉइंट है आपका नीड, सेकेंड है आपका सर्चिंग द प्रॉपर्टी एंड हाई सोर्स ऑफ इनकम। हम ऐसे लोगों को ही टारगेट करेंगे, हम जो लोगों को टारगेट करने जा रहे हैं वो है आपकी नीड, सर्चिंग द प्रॉपर्टी और तीसरा है हाई सोर्स ऑफ इनकम। दिस विल बी अवर थ्री मेन पॉइंट्स ऑन दैट, करेक्ट। नाउ अब देखिए, मुझे चाहिए लीड्स, ये तो आपको पता है। अब पहली चीज आती है उसमें, आप अपनी प्रॉपर्टीज का या तो फर्म का एड चला सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको ऑनलाइन एड चलाने हैं तो दो चीज़ें सबसे बेहतर है, वो है आपका, पहला है आपका गूगल एड्स, एक तो है आपका गूगल एड्स और दूसरा है आपका यहाँ पे फेसबुक एड्स। पॉइंट नंबर वन है आपका
गूगल एड्स, सेकंड है आपका यहाँ पे पॉइंट नंबर टू फेसबुक एड्स। गूगल एड्स कहाँ काम आएंगे आपके और फेसबुक एड्स कहाँ काम आएगा, इसके बारे में मैं आपको बहुत ही डीपली समझाता हूँ। कोई बंदा अगर प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है, एग्जांपल किसी को प्रॉपर्टी चाहिए, किसी को चाहिए 2 BHK इन दिल्ली, किसने ये सर्च किया, मान लो आपके पास प्रॉपर्टीज है दिल्ली में, 2 BHK 3 BHK आप सेल कर रहे हो, किसी ने गूगल में सर्च किया 2 BHK इन दिल्ली, आप सोचिए अगर कोई किसी ने सर्च किया 2 BHK इन दिल्ली और सर्चेस में वो आपकी प्रॉपर्टी को दिखा दे, अगर आपकी प्रॉपर्टी को दिखा दे सामने सबसे पहले, तो वो कहलाता है आपका यहाँ पे गूगल एड्स। गूगल एड्स में अगर कोई बंदा सर्च करता है तो जो कीवर्ड्स पे आपने ऐड चलाए हैं उस कीवर्ड्स के बेसिस पे अगर वो सर्च करता है, लोकेशन पे सर्च करता है, तो गूगल उसे आपके आपकी प्रॉपर्टी का एड्स दिखाता है। ये आती हैं आपके गूगल एड्स पे। तो यहाँ पे वही उसी को दिखाएगा जो लोग उस चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, दो आर सर्चिंग दैट थिंग्स, ठीक है। अब गूगल एड्स में हो सकता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट है आपका कोई कॉलोनी का, ठीक है, तो किसने सर्च किया होम्स इन कोई प्रोजेक्ट नाम है ये है, तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी सर्च करे या तो कोई प्रोजेक्ट सर्च करे, तो वो आपकी आपके प्रोजेक्ट्स को या आपकी प्रॉपर्टी को दिखा दे गूगल एड्स। तो उसके लिए हमें गूगल एड्स चलाने पड़ते हैं कि उस प्रॉपर्टी या उसके कीवर्ड्स पे, जिस कीवर्ड्स पे आप चाहते हो अगर लोग सर्च करें तो आपको आपकी प्रॉपर्टी दिखाएं। सेकेंड होता है आपका फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स पे ऐसा नहीं होता कि जो लोग प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं उन्हें दिखाता है, ये फेसबुक पे हमें ये मान के चलना होता है, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू समझनी होती है कि हम किसको ऐड दिखाएं जो हो सकता है कि हमारे लीड्स में सेल्स में कन्वर्ट हो पाए। तो आपने फेसबुक पे ऐड चलाया बढ़िया तरीके से, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा इनके, आपने ऐड चलाया बहुत बढ़िया तरीके से, ऊपर आपने अपनी प्रॉपर्टी शो कर दी 2 BHK 3 BHK, और जैसे आपकी प्रॉपर्टी दिल्ली में है तो आपने दिल्ली वालों के को टारगेट करके ऐड चलाया और उसमें डेमोग्राफी में बिजनेस डाला और ऐसे लोगों को टारगेट किया जो आपके अगर वो देखते हैं आपकी प्रॉपर्टीज को आपके एड्स को, हो सकता है वो इंटरेस्ट लें और आपकी लीड्स का फॉर्म जो उसमें एड्स में आपने फॉर्म बनाया हुआ है कि जिसको इंटरेस्ट है वो फॉर्म फिल करें, हो सकता है वो फॉर्म फिल कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से आप गूगल एड्स को और फेसबुक एड्स का यूज़ करके, ठीक, इसके मैंने सेपरेट वीडियोज़ बनाए हुए हैं हमारे चैनल पर, आप जाके देख सकते हो, इनका दो का आप यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट अगर बंदा सर्च करता है गूगल में और चाहते हो कि आपकी प्रॉपर्टी दिखाएं, उसके लिए आप गूगल एड्स चलाओ। इफ़ यू वॉन्ट दैट, यू वॉन्ट टू शो द पीपल एड्स दैट मे बी कन्वर्टेड इनटू सेल्स, उनको नीड नहीं है कि नहीं, वो नहीं पता आपको, लेकिन ऐसे लोगों को दिखा रहे हो जो प्रॉपर्टी आपसे ले सकते हैं, दैट्स कम्स अंडर फेसबुक एड्स, राइट। तो अब ये देखो, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, देखो प्रॉपर्टी तो आपसे ये लेगा, लेकिन आपकी स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग बननी चाहिए, आपका आपका नाम होना चाहिए, ब्रांडिंग होनी चाहिए। तो ऑनलाइन ब्रांडिंग कैसे होती है, ऑनलाइन ब्रांडिंग आपकी प्रेजेंस के अकॉर्डिंग होती है, आपका जितना ज़्यादा प्रेजेंस होगा लोग उतना आपसे ट्रस्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रियल इस्टेट की वेबसाइट आपकी होनी चाहिए, नहीं है तो हम आपको बना के देते हैं, और आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा जिनका मैंने रिसेंटली अभी वेबसाइट बनाया हुआ है, उनका लुक दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये बेसिकली होता है आपका इंफॉर्मेशन और अपनी ब्रांडिंग पर्पस के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है। और सेकंड, अगर आप फेसबुक पे ऐड चलाते हो तो आपकी लैंडिंग पेज आपका होना चाहिए जहां से आप लीड्स कैप्चर कर सकें। जब कोई आपके फेसबुक पे ऐड्स पे आता है तो बंदे को क्या दिखे आपका, अगर वो क्लिक करता है तो लैंडिंग पेज होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी के बारे में, चीज़ों के बारे में, जहां पे आप उसको फॉर्म फिल करने का भी ऑप्शन दिया हो। तो ये होता है अपनी ब्रांडिंग करने का लीड्स जनरेट के लिए, गूगल एड्स और फेसबुक एड्स पे आप फोकस कर सकते हो। गूगल एड्स फेसबुक एड्स करवाना अगर चाहते हो आप तो हम भी आपको करके दे सकते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद देखिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूँ, ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट डाला हुआ है गूगल एड्स के बारे में, जो काम करता है जनरल कीवर्ड्स या ब्रांड कीवर्ड्स के बेसिस पे आप काम कर सकते हो। गूगल एड्स पे अपने कीवर्ड्स आपसे पूछता है, लोकेशन पूछता है, आप डाल के एड्स चला सकते हो। सेकंड है आपका यहाँ पे फेसबुक एड्स टू टारगेट ऑडियंस टू जनरेट अ लीड्स एज के बेसिस पे, डेमोग्राफिक के बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे आप एड्स चला सकते हैं।
ये तो हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आप यूज़ करके अच्छी खासी मार्केटिंग कर सकते हो। इसमें से जो आपके लीड जनरेट होते हैं, लोग जो इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनको आपको मार्केटिंग करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहला है आपका IVR मार्केटिंग टू टारगेट ऑडियंस, वॉइस कॉल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये सब आप करवा सकते हो। इसके लिए सॉफ्टवेयर्स आते हैं, पैनल्स आते हैं। व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए बल्क में लोगों को मैसेज करने के लिए हमारे पास पैनल्स होते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। SMS मार्केटिंग के भी हम पैनल्स देते हैं, ईमेल मार्केटिंग के भी देते हैं। इसके अलावा IVR मार्केटिंग के लिए, IVR मतलब क्या है, वॉइस कॉल्स। आपके पास जैसे मैंने जो है आपके दिल्ली के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मान दिल्ली में आपकी प्रॉपर्टी है, बड़े बड़े आपके बिजनेसमैन हैं, उनके नंबर चाहिए, मैंने आपको दे दिए, आपने IVR मशीन में लगा दिया, जो मशीन आपको मैं, अगर आपको चाहिए तो आपको बता दूंगा मैं आपको, उसका सेपरेट IVR का वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। IVR मार्केटिंग कैसे की जाती है आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका, यू कैन चेक इट, राइट। तो IVR मार्केटिंग में क्या होता है मैं आपको ये समझाऊंगा अच्छे से। तो ये देखिए IVR मार्केटिंग किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे आपका ये आपकी IVR मशीन है, ठीक है, ये आपकी IVR मशीन है। इस IVR मशीन को आपने क्या किया, यहाँ पे अपने कंप्यूटर से अटैच कर दिया और इसके अंदर जो है आपने नंबर्स डाल दिए, 1000 मैंने बिजनेसमैन के नंबर डाल दिए। अब इसमें मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी, क्या आप प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं कम प्राइस में, सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी इस लोकेशन पे, यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो 1 दबाएं, हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करने के 2 दबाएं, इस तरीके का आप रिकॉर्डिंग डाल के इसमें डाल दीजिए। 1 by 1 सभी को ये कॉल करेगी मशीन और उस प्रॉपर्टी के बारे में बताएगी। आपने सुबह लगा दिया, शाम तक सबको कॉलिंग चले गई, और इसमें से जो इंटरेस्टेड होंगे, जो 1 दबाएंगे, ठीक है, उनकी लिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी। और आपको आपके जहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव बैठती है ऑफिस में, या आप खुद जो है सिर्फ इन्हीं से बात कर सकते हो। 1000 नंबर आपने लगाया, उसमें से 20 लोगों ने जो है कहा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप सिर्फ उसी से बात करिए। नेक्स्ट डे फिर 1000 लोगों के नंबर डालिए, फिर उनको मैसेजेस भेजिए, उस वॉइस कॉल भेजिए अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, जो इंटरेस्टेड होंगे 1 दबाएंगे। 10 लोगों ने भी इंटरेस्ट दिखाया, 10 लोगों से आपने बात की, 5 लोग आगे बढ़े, उसके लिए 5 में से 1 भी कन्वर्ट हुआ आपका, कहानी खत्म, यही तो हम चाहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का सही अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आप वाकई बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। अब देखिए, इसके अलावा ये तो मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ट्रस्ट। रियल इस्टेट की फील्ड में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे बंदा कोई 10 रुपये या 20 रुपये, दे आर नॉट गोइंग टू परचेज अ स्मॉल थिंग, दे आर परचेजिंग अ प्रोडक्ट, प्रॉपर्टी हुज कॉस्ट इज इन लैक्स ऑफ रुपीज, करोड़ रुपीज। सो वो बंदा जो आपसे बात करेगा, उसको ट्रस्ट बिल्ड करिए। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, कोई प्रॉपर्टी अगर आप उसको दिखाते हो, मैं आपको 2 एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे एक बंदा है जो प्रॉपर्टी लेने वाला है, मैं एजेंट हूँ, सर ये प्रॉपर्टी अच्छी है, सर इसमें ये खासियत है, हर चीज़ ओके है सर, डोंट वरी, ऐसा है वैसा है, मैं उसको कुछ चीज़ें हाइड कर रहा हूँ, मैं ये कोशिश सिर्फ कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टी ले ले। एक दूसरा बंदा है, सर देखिए मैं आपको इसके बारे में पॉजिटिव चीज़ बताऊँगा, निगेटिव चीज़ भी बताऊँगा, सर मैं आपसे कोई चीज़ हाइड नहीं करूँगा, सर इसमें ये प्लस पॉइंट है, इसमें ये माइनस पॉइंट है, सर इसमें सर ये कागज़ रेडी है इसका, इसमें कुछ लोचा है, इसमें ये कुछ ये है सर। हाँ देखो, ब्रोकर अगर आप एजेंट हो, अगर आपने उसे गलत चीज़ चिपका दी, आपको कमीशन मिल भी गया, वो ब्रोकर जो है कोई गलत है, उसने पैसा ले, वो कहीं भग गया, कुछ हो गया, तो वो बंदा जिसने लिया है पैसा दिया, वो आपको पकड़ेगा, ब्रोकर को नहीं पकड़ेगा। अगर आप उसको सही सलाह देते हो, सही इन्फॉर्मेशन देते हो, गाइड करते हो, तो वो 10 को रिकमेंड करेगा, वो 20 को रिकमेंड करेगा। तो यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करिए और लॉयल रहिए, इस फील्ड में लॉयल रहना और ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऑफलाइन चीज़ें हैं, ये व्यवहारिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये बात की बात है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ों को करवाना चाहते हैं, या तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो देखिए ये सब चीज़ें हम भी करते हैं, हमारी वीडियो मार्केटिंग है,
सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये सब हम करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि IVR मशीन की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आपके कस्टमर्स जो कन्वर्ट हो सकते हैं उनके नंबर्स मैं आपको दूंगा, प्रॉपर्टी जो सर्चर्स हैं उनका डाटाबेस मेरे पास होता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप मुझसे करवा सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बेनिफिट्स क्या हैं, हमसे जुड़ के काम करवाने में आपको बेनिफिट्स क्या मिलने वाली हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। पहला चीज़, राइट इन्फॉर्मेशन। हम कभी भी अपने जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उन्हें राइट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। हमारे पास आपको हमेशा राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लॉयल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पॉइंट नंबर 2, टाइम वैल्यू। हम आपकी टाइम की वैल्यू करते हैं, हम समझते हैं कि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई काम दे रहे हो या कुछ हमें दे रहे हो तो हम आपको वो चीज़ समय पर करके दें। पॉइंट नंबर 3, सर्विस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे किसी भी फील्ड में सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सर्विस के लिए कभी भी आपको कंप्लेंट नहीं आएगी, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट चीज़ें दे पाएँ। और पॉइंट नंबर 4th ये है कि आपको हमारे पास सॉफ्टवेयर मिलेंगे, टूल्स मिलेंगे, और इसके अलावा जो आपको चाहिए ऑनलाइन की चीज़ें सब हम करते हैं। एवरीथिंग वी कैन डू वी आर डूइंग इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। हमसे सर्विस नहीं देते हैं, इसके अलावा अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट करना है, एप्लीकेशन बनवानी है या कुछ और चीज़ चाहिए तो वो सब चीज़ हम प्रोवाइड करवाते हैं। अब इसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ूँ तो अवर गोल्स आर वॉट, अवर कंपनी हैज़ अ पर्पज़ फॉर दोज हु यूज़ अवर सर्विसेज, हेल्प इंक्रीज योर बिजनेस प्रॉफिट एंड ग्रेट मार्केटिंग, हेल्पिंग बिजनेस मार्केटिंग टू ईजियर एंड वाइडर, बेस्ट सपोर्ट, बेस्ट रिजल्ट वी आर प्रोवाइडिंग। सो कॉन्टेक्ट अस, नंबर इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, एंड दिस इज अवर वेबसाइट www.digitalbaba.com, www.digitalbaba.in फॉर टेकिंग अ सर्विसेज। अगर आप हमारे सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप ये वेबसाइट को विजिट करिए, ठीक। इसके अलावा देखिए डिजिटल baba.in में अगर आप जाते हैं तो आपको हमारे सर्विसेज के बारे में पता चलेगा। अगर आप डिजिटल बाबा baba.store में जाते हैं तो आपको वहाँ पे सॉफ्टवेयर्स, टूल्स, ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, अदर सॉफ्टवेयर्स, ये सब चीज़ आप यहाँ से ले सकते हो। तो मैं आपको ये चीज़ें दिखा देता हूँ। देखिए मैं आपको अपनी वेबसाइट के बारे में दिखाता हूँ। ये देखिए, दिस इज माई वेबसाइट फ्रॉम वेयर यू कैन अंडरस्टैंड अवर सर्विसेज, अपनी अवर टीम एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन गेट, दैट वी आर प्रोवाइडिंग्स, वी आर मैनेजिंग एवरीथिंग यू कैन गेट फ्रॉम हियर। और अगर मैं अपने सॉफ्टवेयर जो हम सेल करते हैं बहुत ही कम प्राइस में, अगर वो आप चाहते हो तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा हाँ, मैंने बात की थी कि हमने कुछ वेबसाइट्स बनाई हैं, ठीक है, रियल इस्टेट की। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे ये वेबसाइट है, देखो ये देखिए, एक वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वेबसाइट हमने तैयार की हुई है, राइट, msuji.com। इसके डिज़ाइंस देखिए आप, देखिए इनके डिज़ाइंस देखिए आप, ये वेबसाइट हमने तैयार की हुई है। देखिए कितनी बेहतरीन प्रॉपर्टी इनकी दिख रही है यहाँ पे, यू कैन चेक दिस। ये देखिए, ये अपने एजेंट्स की प्रॉपर्टीज डाली हुई हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में अगर आप जाते हो तो बकायदा इनकी प्रॉपर्टीज़ जो चल रही हैं आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये देखिए, इसने प्रॉपर्टीज़ लिस्टिंग की है, बकायदा देखो मैप तक आपको दिखा देगा यहाँ पे। देखिए मैप तक आपको दिखा देगा, प्रॉपर्टीज़ दिखा देगा आपको यहाँ पे, हर चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा एजेंट्स कौन कौन से हैं, आप न्यूज़ डाल सकते हो, करियर डाल सकते हो, एवरीथिंग यहाँ पे आपको। ये देखिए, ये निमेश शाह जी हैं, ये हमारे लॉयल क्लाइंट्स हैं, इन्हीं के लिए हमने जो है वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। इन्होंने जो है अपना अभी और चीज़ें डालना उनका बाकी है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और कॉन्टेक्स्ट का देखें कितना अच्छा फॉर्म आ जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके की वेबसाइट्स अगर आप बनाना चाहते हैं बहुत ही लग्जरी कम प्राइस में बेस्ट सपोर्ट के साथ, तो आप यहाँ से आप ये सब चीज़ें आप हमसे करवा सकते हो। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए कितनी अच्छी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, और आप ये सब सपोर्ट्स ले सकते हैं, हमसे प्रॉपर्टीज बनवा, वेबसाइट भी बनवा सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, एवरीथिंग वी आर डूइंग फॉर यू। इसके अलावा मैं आपको एक वेबसाइट और दिखाता हूँ।
एक वेबसाइट और मैं दिखाता हूँ, सबकी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। ये देखिए digitalbaba.store, इसमें आपको अगर सॉफ्टवेयर्स की नीड है अपने लिए, देखिए ये आपको IVR की जो बात कर रहा था वो ये IVR है, ये आप चेक कर सकते हो। दिस इज IVR ट्रिपल एडवांस IVR मशीन कॉम्बो पैक इंडिया कम्युनिकेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये IVR मशीन्स होती हैं, इसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। इसके आप डिस्कस के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, आप इस मशीन का यूज़ करके आप बल्क में लोगों को वॉइस कॉल्स कर सकते हो। उसके लिए आपको अलग से एग्जीक्यूटिव बैठाने की ज़रूरत आपको नहीं है। कैटेगरीज की अगर बात करूँ तो टूल्स आपको मिल जाएंगे, विंडोज़ के सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, यहाँ पे इंडियन डाटाबेस भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे इंडियन डाटाबेस की अगर मैं बात करूँ तो जैसा डाटाबेस आपको चाहिए, देखिए जैसे डाटाबेस आपको चाहिए हर तरीके का डाटाबेस देखिए हमारे पास अवेलेबल है, बिजनेस के, कंप्यूटर्स, लीडर्स, जैसा डाटाबेस आपको चाहिए हर तरीके का डाटाबेस हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो कोई भी चीज़ों को अगर आप चाहते हो करना तो हम आपकी हर तरीके से हेल्प करते हैं। तो बेसिकली आपको मैंने बता दिया कि आप एक बहुत बढ़िया चीज़ है वो है आपकी IVR बनाइए हमसे, ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइन करवाइए, ठीक है, ये सब चीज़ें करिए। मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट में हम आपको की हेल्प करते हैं। तो अपने बिजनेस को सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारी सर्विसेज को ले सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हर तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।